पर यार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी UP SSSC PET की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 63 सेट दिए हुए हैं और 85 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। इस पुस्तक की ये खासियत है कि इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पुराना प्रकाशन है और यहाँ पर एक साल का जो पूरा करंट अफेयर है वो आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर आपको काफी वन लाइनर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है इस पुस्तक में दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। किरण इंस्टीट्यूट की PET की ये पुस्तकें हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचनाओं को। चांद के दर पर चंद्रयान, रूस का लूना लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। 23 तारीख यानी बुधवार को विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। इससे पहले चांद पर लैंडिंग होने का समय 5:47 था, अब ये 6:04 पर ये उतरेगा। लिखा चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रविवार को चांद के दर पर पहुंच गया। सफलतापूर्वक रफ्तार घटाने के साथ ही चांद की सतह से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अभियान का अंतिम पड़ाव है। वहीं रूस द्वारा भेजा गया यान लूना 25 लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इसरो को यहां पर बयान भी आया हुआ, चंद्रयान 3 मिशन के जरिए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी उद्योग की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में राष्ट्र की प्रगति को प्रदर्शित करता है। अगली सूचना, पश्चिम बंगाल में एक्शन, UP में कब होगा ब्रिज कोर्स। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती से BED अभ्यर्थियों को बाहर करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। 11 अगस्त को आए फैसले के व्यापक प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल के स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसे BED प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची तलब कर ली है जिन्होंने 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में BED अर्हता को इस तरह के साथ में मान किया था कि ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के पहले बैच में 31,270 और दूसरे बैच में 36,690 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी। इनमें हजारों की संख्या में BED अर्थाधारी शिक्षक शामिल है, लेकिन नियुक्ति के 2.5 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद गाइडलाइन के अनुसार NCTE से मान्य किसी संस्था से ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। तो इसको लेकर के जो शिक्षक हैं उन्होंने चिंता जाहिर करी है और यहाँ पर लिखा है कि BED अर्थाधारी परेशान है, ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई हलचल भी नहीं हो रही है। हालांकि इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की। हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए BED डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने BED डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका। वहीं पर वर्तमान में जो शिक्षक भर्तियां जारी हैं और जिसमें BED के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, इन सभी भर्तियों से BED छात्रों को रोकने के लिए अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। आज 21 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है और ये पत्र NCTE को भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि श्रीमान चेयरमैन महोदय, NCTE नई दिल्ली SLP 003222/2022 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बारे में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित करने की बाबत यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि सभी राज्यों को और जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सूचित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना को गंभीर कृत्य माना है, अतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जल्द से जल्द सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सूचित करने की कृपा करें। अगली सूचना UPSC की है। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आज से शुरू हो जाएंगे आवेदन। महिला के 2,069 और पुरुष के 171 पदों पर UPSC करेगा भर्ती और आज ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी होगा। साथ ही यहां पर लिखा कई दूसरी भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द जारी होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों विभिन्न भर्तियों के संभावित विज्ञापनों के बारे में एक सूचना जारी की थी जिनमें सहायक नगर नियोजन के 24 पदों, स्टाफ नर्स के 2,240 पदों, स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सागर सहायक के 2 पदों, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 54 पदों, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में विभिन्न विषयों में होम्योपैथिक प्रोफेसर 27 पदों और प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान में उप निदेशक के 1 पद भर्ती में शामिल है। तो इनमें से 2 विज्ञापन तो निकल चुके हैं, एक सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 और दूसरा स्टाफ नर्स भर्ती। अगली सूचना सीटेट की है। पहली पाली में 86 और दूसरी पाली में 88% ने दी परीक्षा।
अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 80% छात्रों ने परीक्षा दी है। 15,01,719 विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के लिए पंजीकृत थे और 14,02,184 द्वितीय पेपर के लिए पंजीकृत थे। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है, लेकिन याद दिला दूं कि जिन छात्रों ने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, और जो नए छात्रों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही थी यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी आज कुछ छात्र गए हैं पीके भवन, और ये छात्र हैं एएसओ पुरानी भर्ती की 2015 वाली की, जिसमें इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है। इतनी पुरानी भर्ती है और अभी तक इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी में अभी सदस्यों का चयन नहीं हुआ है, शायद इसी वजह से साक्षात्कार में देरी हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों, 18/5/2016 ये विज्ञापन संख्या है, इस भर्ती से संबंधित हों, वो विद्यार्थी आज लगभग 11 बजे तक यूपी ट्रिपल एससी पहुँच सकते हैं। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट के की जो परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी हो सकते हैं। 19 अगस्त को लखनऊ में संयुक्त युवा मोर्चा की एक बैठक थी, और इस बैठक में निर्णय ये हुआ कि पूरे प्रदेश भर में 5 सितंबर 2023 से प्रदेश स्त्री संवाद और संपर्क अभियान होगा, और इसमें मुख्य रूप से जितने भी पद रिक्त हैं उनको भरने की बात की जाएगी, बेरोजगारी भत्ता की बात होगी। साथ में जो विपक्षी दल हैं उनको भी पत्र भेजा गया है, और उनसे भी रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन करने और रोजगार एजेंडा को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की अपील की गई है। यह पत्र उत्तर प्रदेश की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, सीपीएम राज्य सचिव हीरालाल यादव, सीपीआई राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप को पत्र लिखकर के रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन करने और युवाओं द्वारा उठाई जा रही मांगों को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की अपील की है। स्पेन पहली बार महिला विश्व चैंपियनशिप जीत रही है। स्पेन ने खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को इसने हराया है, और जो गोल किया गया है वो एक गोल स्पेन की तरफ से, स्पेन की कप्तान ओल्गा कारमोना इन्होंने किया है। एडसी शिक्षक भर्ती की समय सारणी जारी कर दी गई है, और लिखा कि 18 साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। 24 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए रविवार को कॉलेज प्रशासन ने शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्रवृत्ति योजना के लिए 23 तारीख से आवेदन शुरू है, और राष्ट्रीय आय एवं योजना आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 5 नवंबर को होगी। सीटेट के बारे में भी लिखा कि बीते सालों की अपेक्षा आसान रहा पेपर, यहाँ पर लिखा हुआ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दबोचेंगे मुन्ना भाई। जिस प्रकार वीडियो की भर्ती में एआई के द्वारा बहुत सारे विद्यार्थी पकड़े गए थे कंट्रोल रूम से, उसी प्रकार पुलिस भर्ती में भी एआई का सहारा लिया जाएगा। लिखा बायोमेट्रिक के साथ में फेस रिकॉग्निशन को भी बनाया जाएगा अनिवार्य। ये परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। 2225 पदों के लिए रोजगार मेला कल अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को रोजगार मेला लगेगा। 17 कंपनियां 2325 अभ्यर्थियों पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। चकबंदी विभाग के 5000 कर्मी राजस्व विभाग में जाएंगे। चकबंदी विभाग में कामकाज की कमी देखते हुए विभाग के 5000 कर्मियों को राजस्व विभाग में संबद्ध किया जाएगा। राजस्व विभाग के विशेष सचिव जी श्रीनिवास सुलू ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। पॉलिटेक्निक प्रवेश की काउंसलिंग भी कल से है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।